भारतीय करेंसी की बात करें तो इसमें 1 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की सभी छोटे बड़े नोट हैं। हर नोट के ऊपर अलग अलग तस्वीरें छपी हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी नोटों पर किसकी तस्वीर है और इसका क्या महत्व है। 1 रुपए का नोट, इसके पीछे एक तेल इन्वेंशन स्थल की फोटो छपी हुई है। 1 रुपए का नोट RBI नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय प्रिंट करती है। अब ये नोट बनने बंद हो चुके हैं। 2 रुपए का नोट, इस नोट के अगले भाग में अशोक प्रतीक की और इसके पिछले भाग में भारत के पहले सैटेलाइट की फोटो है। ये नोट साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की प्रोग्रेस को दर्शाता है। अब ये नोट बनने बंद हो गए हैं। 5 रुपए का नोट, इस नोट के पिछले हिस्से में खेत की जुताई करते हुए एक किसान की तस्वीर है जो भारतीय इकोनॉमी को दर्शाती है। ये नोट भी अब बनना बंद हो चुका है। 10 रुपए का नोट, इस नोट के पिछले हिस्से में कोणार्क के सूर्य मंदिर का पहिया और स्वच्छ भारत का लोगो प्रिंट है। इस जगह को साल 1984 में विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई थी। 20 रुपए का नोट, इसके अगले भाग में महात्मा गांधी की फोटो और पिछले भाग में एलोरा की गुफा को दर्शाया गया है। इस गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। 50 रुपए के नए नोट के पीछे स्वच्छ भारत का लोगो और हम्पी की तस्वीर है। हम्पी कर्नाटक के प्राचीन गांव के प्राचीन रथ की तस्वीर है और 50 के पुराने नोट के पीछे सांसद भवन की तस्वीर बनी हुई है। 100 रुपए के नए नोट के पीछे रानी की वाव की तस्वीर है जो गुजरात के पाटन जिले में है। इसे भी साल 2014 में UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और 100 के पुराने नोट पर इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत कंचनजंगा की तस्वीर है। 200 रुपए का नोट, इस नोट के पिछले हिस्से में विश्व की प्रसिद्ध सांची स्तूप की फोटो छपी हुई है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। 500 रुपए के नए नोट के पीछे स्वच्छ भारत का लोगो और लाल किला की तस्वीर बनी हुई है। आपको तो पता ही होगा कि 500 के पुराने नोट अब बनने बंद हो गए हैं। 2000 के नोट के पिछले हिस्से पर मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है जिसे 5 नवंबर 2013 को इसरो ने लॉन्च किया था। ये तस्वीर भारत के साइंटिस्टों की समृद्धि को दर्शाता है।